अभी इलेक्शन हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के, रिजल्ट आपके सामने आए हैं, तो उनको कहां देखते हैं कि बीजेपी का वोट कम होता जा रहा है और कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए मुझे नहीं पता कि कांग्रेस और बीजेपी कौन सी पार्टी है जी। साहब काशीराम को जानता हूँ, सांपनाथ और नागनाथ को जानता हूँ जी, ठीक है जी। सांपनाथ हो या नागनाथ हो जी, ये उनका प्रोरोगेटिव है जी। मेरा अपना प्रोरोगेटिव ये है कि पूरे भारत में जहां जहां पे भी आज इलेक्शन हुए हैं वहां पर मैं एक, मेरे पास फोटो थी, मैं वो फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी। हाँ मैं दिखाना चाहूंगा इसमें, ये देखिए ठीक है जी, ये एक जन मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जी। ये जो जो है ये फोटो, ये इलेक्शन को बयान करती है कि क्या है, ठीक है। कल तक जो लोग हमें ये कहते थे कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, इसका राष्ट्रीय पार्टी का तबका जो है वो खत्म हो जाएगा, ये बात सही है कि इन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है जी, ठीक है। लेकिन ये बात भी सही है कि इन राज्यों में हमारा वोट बैंक है जिसने दूसरी पार्टियों को वहां पर खड़ा किया है, अगर हम ना होते तो जो ये बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें ये नीले नीला कलर नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। तो हमारा वोटर तो हर उसमें है। रही बात सीट की, पांच साल हमें विचारधारा मिशन फैलाना है, हमें हर समाज में कम से कम ये तो है जो जो कल तक ये बोलते थे कभी भी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी, आज हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। जो कल तक ये बोलते थे कि हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का तबका खत्म हो जाएगा वो आज तक नहीं हुआ, हम पहले से जितनी मजबूत स्थिति में आज उभर के निकले हैं उतना हम पहले किसी भी इलेक्शन में उभर के नहीं निकले। जिस भी इलेक्शन में आज, जिस भी भारत के स्टेट में जब भी आज इलेक्शन होगा, क्यों वहां बहन जी की उपस्थिति को आज लोग स्वीकार करते हैं? क्या एक सीट जीतना हमारा मकसद है? हमारा मकसद तो ये है कि हमें सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। हमारा जो मकसद है वो हंगामा खड़ा करना नहीं है। तुम हंगामा खड़ा करते रहो कि सांपनाथ जीत गया, नागनाथ जीत गया, मेरी कोशिश तो ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए जब हम साउथ में अपना एक मंत्री बना सकते हैं और आज भी हमारा एक मंत्री इन तीनों स्टेट में बनेगा तो ये हमारी जीत है। आप कैसे किस पता नहीं किस आंकड़ों के आधार पे आप सांपनाथ और नागनाथ की बहुजन विचारधारा से कंपैरिजन करते हैं? बहुजन विचारधारा जितनी इस इलेक्शन में मजबूत होकर निकली है उतनी पहले कभी नहीं थी।